नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय एवं साहित्य में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम हल करेंगे हिंदी साहित्य की गद्य विधा उपन्यास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। यह हमारा टेस्ट पेपर 12 है और प्रश्न संख्या रहेगी आज की हमारी 551 से लेके 600 तक, यानी आज की कक्षा के बाद हम हिंदी साहित्य के पिछली विभिन्न कक्षाओं में आए हुए महत्वपूर्ण 600 प्रश्न तैयार कर लेंगे। उपन्यास से संबंधित टेस्ट पेपर 11 भी हमारा उपन्यास से संबंधित था, उसमें भी हमने 50 उपन्यास से संबंधित प्रश्न देखे थे। तो आज हम अपने उपन्यास से संबंधित 100 प्रश्न कंप्लीट कर लेंगे और आशा करती हूँ कि आपको ये टेस्ट पेपर काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे। यदि अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करके और कॉमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। नागार्जुन के उपन्यासों में किस जिले का राजनीतिक सांस्कृतिक चित्रण उपलब्ध है? दरभंगा, पूर्णिया, इलाहाबाद, बलिया या गोरखपुर? सही उत्तर है इसका दरभंगा, पूर्णिया। जिन भी प्रश्नों का उत्तर आपको नहीं आ रहा है उनको आप देख लीजिएगा, दो बार उनको देखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछली परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो बार बार दोहराए जाते हैं। यशपाल का ऐतिहासिक उपन्यास इनमें से कौन सा है? दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या और मनुष्य के रूप। तो इनका ऐतिहासिक उपन्यास है दिव्या, और दिव्या यूपीएससी के सिलेबस में लगा हुआ है, हमारे नेट के सिलेबस में लगा हुआ है झूठा सच। अमृतलाल नागर का कौन सा उपन्यास तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है? अमृत और वेश, अमृत और वेश, शतरंज के खिलाड़ी, एक द नैमिषारण्य और मानस का हंस। तो इनका जो उपन्यास है मानस का हंस वह तुलसीदास की जीवनी पर आधारित है। हिंदी उपन्यासों में मध्य वर्ग का प्रसिद्ध चितेरा कौन है? यशपाल, उपेंद्रनाथ अश्क, वृंदावन लाल वर्मा और शिवपूजन सहाय। तो उपेंद्रनाथ अश्क जी मध्यम वर्ग के प्रसिद्ध चितेरे हैं और साथ ही इन्होंने नगरीय जीवन का चित्रण किया है, देहाती जीवन का इन्होंने नहीं किया। और जो शिवपूजन सहाय, इनका जो प्रमुख उपन्यास है देहाती दुनिया, बहुत ही बार बार पूछे जाने वाला उपन्यास है, तो आप याद कर लीजिए। यशपाल का झूठा सच कोर्स में है और वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी बार बार पूछे जाते हैं। आज देखते हैं फिर 555 नंबर का प्रश्न। राष्ट्र विभाजन के फलस्वरूप सिंधु घाटी की भूमि में आए बदलाव को किस उपन्यास में चित्रित किया गया है? तो हम सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता को क्या कहते हैं, मुर्दों का टीला। शहर में घूमता आईना उपन्यास के लेखक कौन है? उपेंद्रनाथ अष्ट, जैसा कि मैंने आपको कहा कि ये नगरीय अर्थात शहरी जीवन के कथाकार या उपन्यासकार हैं। धर्मवीर भारती का उपन्यास सूरज का सातवां घोड़ा किस श्रेणी में रखा जाता है? तो यह प्रयोगशील श्रेणी में रखा जाता है। अज्ञेय के किस उपन्यास की प्रशंसा प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है? तो शेखर एक जीवनी कोर्स में भी है, इसकी जो प्रशंसा है प्रकाशमान पुच्छल तारा कहकर की गई है। किस उपन्यास में यात्रीशाला में ठहरे हुए यात्रियों की एक रात की जिंदगी का वर्णन है? अंधेरे बंद कमरे में, डाक बंगला, सोया हुआ जल और वे दिन। तो इसके अंतर्गत जो वर्णन है वह है सोया हुआ जल। लालटेन की छत उपन्यास किसका है? कमलेश्वर, मोहन राकेश, निर्मल वर्मा और श्रीलाल शुक्ल। तो लालटेन की छत उपन्यास है निर्मल वर्मा का। अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां मौजूद हैं? तो यह है बूंद और समुद्र। अमृतलाल नागर का बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है बूंद और समुद्र, और जिस प्रकार नेट की परीक्षा में उपन्यास का जो विषय वस्तु है, कहानियों की विषय वस्तु है, तो इस बूंद और समुद्र की विषय वस्तु क्या है? लखनऊ के चौक के रूप में हिंदुस्तानी समाज की विभिन्न छवियां। किस उपन्यास को राजेंद्र यादव और मनु भंडारी ने मिलकर लिखा था? ये आप सभी जानते होंगे, एक इंच मुस्कान, मनु भंडारी का रचना रचनाकार से संबंधित जो वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें भी आपको यह बताया था। गली आगे मुड़ती है उपन्यास किसका है? तो यह शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है गली आगे मुड़ती है। इनमें से कौन सा उपन्यास वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित नहीं है? तो मशाल, गंगा मैया, नागफनी का देश, यह सभी वर्ग संघर्ष की भावना पर आधारित है, लेकिन गुनाहों का देवता नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा गुनाहों का देवता, क्योंकि कल इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, ये प्रेम के पे आधारित है, वर्ग संघर्ष पे आधारित नहीं है। और गुनाहों के देवता के लेखक आप सभी जानते हैं धर्मवीर
भारती। इस उपन्यास में मिथिला की विशिष्ट भंगिमा है बाबा बटेसरनाथ। गोदान, देहाती दुनिया और अमिता। देखिए गोदान हम पूरा पढ़ चुके हैं, देहाती दुनिया में है नहीं, तो बाबा बटेसरनाथ इसका सही उत्तर है। नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास कौन सा है? मृगनयनी, कब तक पुकारू, सवई नचावत राम गुसाई, जंगल के फूल। तो नट जनजाति का चित्रण करने वाला उपन्यास है कब तक पुकारू, और इसकी रचयिता है रांघे राघव। कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि रांघे राघव की कृति कब तक पुकारू बहुत ज़्यादा फेमस है। आपका बंटी उपन्यास किसका है? मनु भंडारी जी का है। चैनल पे पूरा उपन्यास मैंने पढ़ाया और आप लोगों का रेस्पॉन्स इस उपन्यास को लेके काफ़ी अच्छा मिल रहा है, तो जिन लोगों ने अभी नहीं पढ़ा हो अवश्य पढ़ना चाहिए। बाल मनोविश्लेषण मनोविज्ञान पर आधारित यह उपन्यास है जिसमें तलाक शुदा पति पत्नी की संतान बंसी की पूरी कथा वर्णित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास किसे माना? 100 अजान 1 सुजान को उन्होंने पहला अंग्रेजी ढंग का मौलिक उपन्यास माना। बलचनामा उपन्यास में किस क्षेत्र का चित्रण है? तो मिथिला का इसमें चित्रण है। और बलचनामा जो है, बलचनामा, बाबा बटेसरनाथ, ये सब नागार्जुन के उपन्यास हैं। राष्ट्र विभाजन की त्रासदी का चित्रण इनमें से किस उपन्यास में नहीं है? तमस, आधा गांव, भूले बिखरे चित्र और मुर्दों का टीला। तो इसमें भूले बिखरे चित्र जो इसमें नहीं है, बाकी आधा गांव, तमस भीष्मसानी का, मुर्दों का टीला के विषय में भी हमने पढ़ाई है, तो इन तीनों में है, भूले बिखरे चित्र में नहीं है। सवई नचावत राम गोसाई के लेखक कौन है? तो ये भगवती चरण शर्मा जी के इसके रचयिता हैं। सवई नचावत राम गोसाई के जो रचयिता हैं, उपन्यासकार हैं, वो हैं भगवती चरण शर्मा। भगवान ही तो सबको नचावत है ना, राम गोसाई। मछुआरे के जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? सागर लहरे मनुष्य, बहती गंगा, बोलगा से गंगा, नदी के बीच। सागर, लहरें और मनुष्य, यह है मछुआरों के जीवन पर आधारित उपन्यास। जैनेन्द्र का उपन्यास कौन सा है? मुक्तिबोध, गुनाहों का देवता, चित्रलेखा और कंकाल। कंकाल जयशंकर प्रसाद का है, गुनाहों का देवता धनवीर भारती का है, चित्रलेखा भगवती जी का है। तो मुक्तिबोध है जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास। अर्धनारीश्वर उपन्यास किसने लिखा है? तो सभी जानते होंगे विष्णु प्रभाकर जी ने लिखा है अर्धनारीश्वर। इनकी आवारा मसीहा कृति भी बहुत फेमस है और अर्धनारीश्वर भी बहुत ज़्यादा फेमस है। मुझे चांद चाहिए, कौन कहता है मुझे चांद चाहिए? तो सुरेंद्र वर्मा जी कहते हैं कि मुझे चांद चाहिए। हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा पुस्तक किसकी है? तो ये रामदर्श मिश्र जी की है हिंदी उपन्यास एक अंतर यात्रा। जिंदगी नामा और हम हशमत उपन्यासों की रचना किसने की है? तो कृष्णा सोबती जी ने लिखा है जिंदगी नामा और हम हशमत। महिला लेखिकाओं में कृष्णा सोबती जी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। 2019 में इनका निधन हुआ है, तो इनकी रचनाओं को पूछे जाने की काफ़ी संभावना है, तो अच्छे से आप याद रखिएगा। बाकी इनकी कहानी बादलों के घेरे में मैंने चैनल पे आपको उपलब्ध करवा दी है, नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। मनोहर श्याम जोशी का उपन्यास कौन सा है? कुरु कुरु स्वाहा, पत्ती खोज, मुजरिम हाजिर है, बे और आप। तो कुरु कुरु स्वाहा मनोहर श्याम जोशी का महत्वपूर्ण उपन्यास है। ढाई घर उपन्यास किस लेखक का है? अमृतलाल नागर, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा और गिरिराज किशोर। तो ढाई घर उपन्यास है गिरिराज किशोर का। और नीला चांद शिव प्रसाद सिंह का, यानी शिव प्रसाद को कैसा चाहिए? नीला चांद चाहिए। और एक और चांद किसको चाहिए? सुरेंद्र वर्मा जी को, यानी सुरेंद्र वर्मा जी को तो कैसा हो, सुरेंद्र यानी इंद्र, सूर्य यानी देवता, सुरेंद्र देवताओं का इंद्र, तो उनको क्या चाहिए? उनको सिर्फ चांद चाहिए। मुझे चांद चाहिए सुरेंद्र वर्मा, लेकिन शिव प्रसाद जी कहते हैं कि मुझे नीला चांद चाहिए, है ना। तो जो भगवान का कंठ देखा है आपने, शिव भगवान का, उसमें जहर रहता है ना, उन्होंने विष का पान किया था, गले में पूरा विष मंत्र रख लिया था समुद्र मंथन के दौरान, तो उनका पूरा आकृति वाइट है और गला नीला है। तो इसीलिए क्या कहते हैं शिव प्रसाद सिंह, वो कहते हैं कि मुझे कैसा चाहिए, मुझे तो नीला चांद चाहिए, क्योंकि मैं तो शिव हूँ ना, तो नीला ही चांद मुझे चाहिए। सुरेंद्र वर्मा जी कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझे तो सिर्फ चांद ही चाहिए। इनमें से उषा प्रियंवदा का उपन्यास कौन सा है? रुकोगी नहीं राधिका, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। वापसी कहानी जब मैंने इनकी आपको चैनल से पढ़ाई थी तब भी इसके विषय में बताया था
कौन सा उपन्यास शरणचंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है? देवदास, परणिता, चरित्रहीन और अपराजिता। तो अपराजिता शरणचंद्र चट्टोपाध्याय का नहीं है। शिलाल शुक्ल का उपन्यास कौन सा नहीं है? राग दरबारी, आदमी का जहर, अज्ञातवास और असंतोष के दिन। तो असंतोष के दिन राग शिलाल शुक्ल जी का नहीं है, बाकी तीनों इनके हैं और राग दरबारी नेट के सिलेबस में भी लगा हुआ। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास पूर्ण है? तो इसको तो बार बार पूछा जाता है, रट गया होगा, इनका मंगलसूत्र उपन्यास पूर्ण है, अपूर्ण है ना, पूरा नहीं है। 55 खंभे, लाल दीवारें उपन्यास की लेखिका कौन है? उषा प्रियंवदा जी का बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। फणीश्वरनाथ रेणु के मैला आंचल की क्या विशेषता? ठेठ देशीयता। जयशंकर प्रसाद का कौन सा नाटक, कौन सा उपन्यास अपूर्ण है? तो इरावती इनका अपूर्ण है। मुक्ति पथ और जिप्सी नामक उपन्यास किसकी रचनाएं हैं? तो मुक्ति पथ और जिप्सी नामक जो रचनाएं हैं यह है इलाचंद्र जोशी की, जो कि मनोविश्लेषणवादी रचनाकार हैं। महाभोज किसकी रचना है? मनु भंडारी जी की रचना है। तो वीडियो मैंने बताया था, उसमें बताया था कि महाभोज, फिर बताई थी आपको महाभोज का आयोजन होता है, बंटी वहाँ पे जाता है, दोनों को सुनके किंतु मुस्कान आती, इस तरीके की चीज के माध्यम से आपको मनु भंडारी की सारी रचनाएं जो है मैंने आपको याद करवाने की कोशिश की थी। वीडियो चैनल पर प्ले लिस्ट बनी है रचना एवं रचनाकार, वहाँ आप देख लीजिएगा। देवराज ने अपने किस उपन्यास में दार्शनिक आधार पर धर्म और नैतिकता की बात उठाई है? अजय की डायरी। जब मैंने आपको पुस्तक पढ़ाई थी हिंदी साहित्य का सरल एवं संक्षिप्त इतिहास, उसमें भी बताया था कि अजय की डायरी को डायरी लेखन की चार विधाएं दिया जाता है और उसमें पूछा जाता है कि डायरी कौन सी नहीं है। अब क्योंकि इसमें नाम ही है अजय की डायरी, तो सब लोग अजय दूसरा कोई ऑप्शन कर आते हैं, कंफ्यूज हो जाता है। तो मैं आपको याद दिला दूं कि अजय की डायरी एक उपन्यास है जिसमें धर्म और नैतिकता की बात उठाई है, ये कोई डायरी लेखन की विधा नहीं है। किस उपन्यास में अल्प लैला और पंचतंत्र के ढंग पर लिखी गई 7 अलग अलग कहानियां किस्सागो के व्यक्तित्व से जुड़कर उपन्यास बन जाती हैं? वेदिन, सीन 75, सीन 75, कड़ियां और सूरज का 7वां घोड़ा। देखिए वेदिन तो निर्मल वर्मा का है और ये कड़ियां ये भीष्म सानी जी का है, हम पढ़ चुके। अब आते हैं सूरज का 7वां घोड़ा। तो जैसा कि अभी पूर्व में पढ़ा कि धर्मवीर भारती के इस उपन्यास को एक नई प्रयोगशाला के नाम से जाना जाता है, तो इसी में इन्होंने ये प्रयोग किया है। तो उसका सही उत्तर होगा सूरज का 7वां घोड़ा बाय धर्मवीर भारती। दिलो दानिश उपन्यास किसने लिखा है? तो दिलो दानिश लिखा है कृष्णा सोबती जी ने। कौन सा उपन्यास विष्णु प्रभाकर का नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर जी का नहीं, निशिकांत, स्वप्नमयी, तट के बंधन और तीसरा आदमी। तो कौन सा नहीं है? तीसरा आदमी का उपन्यास नहीं है। निशिकांत, स्वप्नमयी और तट के बंधन ये सभी विष्णु प्रभाकर जी के हैं। पांडे वेचन शर्मा उग्र का कौन सा उपन्यास युवकों में लोकप्रिय हुआ? चंद हसीनों के सतूत, दिल्ली का दलाल, अछूत और बुधवार की बोली। अब देखिए नाम से स्पष्ट है चंद हसीनों को सतूत और युवकों को, जाहिर सी बात है इसमें कुछ समझाने की बात है ही नहीं, इसको तो बिना पढ़े भी आप लोग सही करे आते हैं ना। होरी किस उपन्यास का पात्र है? गोदान का। गोदान उपन्यास प्ले लिस्ट में अवेलेबल है, पूरा पढ़ लीजिएगा, अभी काफी टाइम है। हृदय की परख और हृदय की प्यास उपन्यासों की रचना किसने की? तो चतुर्सेन शास्त्री जी ने करी थी। खाली परख पूछा जाएगा तो आपको जैनेन्द्र करना है, लेकिन इसमें हृदय की परख और हृदय की प्यास है तो चतुर्सेन शास्त्री का सही उत्तर है। कौन सी कृति उपन्यास विधा के अंतर्गत नहीं आती? बाणभट्ट की आत्मकथा, भूत का भविष्य, अहिल्याबाई और सूखी डाली। सूखी डाली उपन्यास नहीं है, बाणभट्ट की आत्मकथा भी उपन्यास है, आत्मकथा नाम पर आप न जाइएगा। भूत का भविष्य भी उपन्यास है और अहिल्याबाई भी उपन्यास है, सूखी डाली उपन्यास नहीं है। कौन सा उपन्यास विमल मित्र का नहीं है? हमचा कर रघुनाथ के कैसे कैसे सच मुजरिम हाजिर है मेरी भवभादा हरो। तो मेरी भवभादा हरो ये विमल मित्र जी का नहीं है। विमल मित्र जी के कौन कौन से हैं? हमचा कर रघुनाथ के, कैसे कैसे सच और मुजरिम हाजिर है, ये तीनों रचनाएं हैं विमल मित्र जी की। कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक कौन है? प्रेमपाल शर्मा, मनु शर्मा, रजत शर्मा और लीलाधर शर्मा। तो मनु शर्मा कृष्ण की आत्मकथा उपन्यास का लेखक, कृष्ण की आत्मकथा का लेखक कौन है? मनु शर्मा। हिंदी नाटकों को किस रचनाकार ने पहली बार साहित्यिक भूमि प्रदान करी? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। जैसा कि हम जानते हैं कि भारतेंदु के काल में ही नाटक विधा का विकास हुआ था, तो ये नाटक से संबंधित एक प्रश्न यहाँ आ गया। कोई बात नहीं, पढ़ना तो हमें सब कुछ ही है।
आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा कोई भी प्रॉब्लम हो तो। बाकी मिलते हैं कल नए टेस्ट पेपर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।